किसी की बेटी बनी करोड़ों की मालकिन। कौन है काजल झा? नौकरी की तलाश करते करते बन गई गैंगस्टर। स्क्रैप माफिया रवि काना इस वक्त किसी पहचान का मोहताज नहीं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस शख्स के जुम की कहानी से वाकिफ ना हो। स्क्रैप माफिया रवि काना अपने कारनामों की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर हो गया है। गैंगस्टर रवि काना और काजल झा पहले आरोपी हैं। इनको थाईलैंड से भारत गिरफ्तार कर लाया गया। रवि काना तो काफी पहले ही पुलिस की रडार पर आ चुका था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा उनकी प्रेमिका की चर्चा हो रही है। ऐसे में अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर काजल झा कौन है और कैसे वो रवि काना के इतने करीब आ गई कि आम इंसान से करोड़ों की मालकिन बन गई। काजल झा को दिल्ली एनसीआर का लेडी डॉन कहा जाता है। रिपोर्ट्स में काजल का पता दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बताया गया है। काजल झा के पिता का नाम सुनील कुमार झा है। काजल झा को रवि काना के सबसे करीबी माना जाता है। इस गिरोह के बारे में जानने वाले लोग उसे रवि काना का राइट हैंड बताते हैं। बताया जाता है कि रवि काना जब से स्क्रैप की दुनिया में कदम रखा है, तभी से वो काजल से जुड़ा हुआ है। काजल झा के पिता स्क्रैप माफिया रवि काना के काले कारनामों में मुंशी का काम देखते हैं। इसी बीच काजल झा स्क्रैप माफिया के संपर्क में आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक काजल झा काम के सिलसिले में रवि काना से मिली थी, जहां रवि की दोस्ती ने उसे गैंगस्टर बना दिया। दोनों की दोस्ती देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि काना ने उसे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में करीब 100 करोड़ का 3 मंजिला बंगला गिफ्ट दे दिया। बंगले में रहकर काजल लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रही थी। वो महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, अच्छे खानपान की शौकीन है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गिरफ्तारी के दौरान भी वो सिर से पांव तक ब्रांडेड कपड़ों में नजर आईं। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।